नमस्कार। दैनिक भारतीय विज्ञापन प्रसारण सेवा का हम मनोरंजन केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 बजे हैं और अब समाचार होंगे। आज उत्तर प्रदेश के उरई शहर के मच्छर चौराहे पर एक रिक्शा और मच्छर में टक्कर हो जाने से रिक्शे में बैठे 74 आदमियों की मृत्यु हो गई। मच्छर की कमर की हड्डी को फ्रैक्चर बताया है, जिसे वाई प्लेन तुरंत अमेरिका भेज दिया गया। उसी चौराहे के एक होटल पर एक चाय पीता हुआ आदमी ये नजारा देखकर घबरा कर चाय के प्याले में घुस गया। उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। भोपाल के बड़े तालाब में आग लग जाने से आज सारी मछलियां पेड़ पर चढ़ गईं। लगातार 45 घंटे पेट्रोल छिड़कने के बाद आग को काबू में किया गया। खबरों के अनुसार बताया जाता है कि तालाब के ठेकेदार को आग लग जाने से लगभग 10 लाख रुपए का फायदा हुआ है। और आज झांसी के रेलवे प्लेटफॉर्म से 3 मच्छर 15 क्विंटल सोना लेकर फरार हुए थे, जिनको कानपुर के कचहरी चौराहे पर पकड़ा गया। और कानपुर के शमशान घाट से एक मुर्दा आज 74 क्विंटल लकड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस को उसकी तलाश है। जिस किसी सज्जन को वो मुर्दा दिखाई दे, अपने नगर के थाने में तुरंत सूचना दें। सूचना देने वाले को 500 रुपए पर महीना टैक्स। सन 2008 ये नई साल की खुशी में दिल्ली मेट्रो रेलवे का नया ऐलान, बिना टिकट चलने वाले को 5000 रुपए नगद इनाम। और आज कश्मीर के कुछ इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ जाने से वहाँ मुर्गियाँ उबले उबले अंडे देने लगी। क्रिकेट। आज झांसी के ध्यानचंद स्टेडियम में खेले गए भारत और श्रीलंका के बीच गोलगट्टे को लकड़पट्टे में तड़ातड़ मार प्रतियोगिता में आज भारत ने पहले ओवर में 365 रन का स्कोर खड़ा किया। जहां श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले खेला था, लेकिन श्रीलंका की टीम एक ही बॉल में ऑल आउट हो गई। संवाददाताओं ने हमको बताया कल श्रीलंका को एक चांस फिर दिया जाएगा। अंत में मौसम की जानकारी। आज रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रात को 12:30 बजे सूरज निकलने की संभावना है। 1:30 बजे रात को चांद और तारों की बारात निकलेगी। लगभग 2:30 बजे रात को कुछ गर्म पानी के हल्के फुल्के छींटे पड़ेंगे। सुबह 6 बजने से पहले रसगुल्लों की वर्षा होगी। अपनी अपनी छतों पर अपना अपना मुंह खोलकर सोएं। पता नहीं कौन सा रसगुल्ला आपकी मुंह की प्रतीक्षा कर रहा हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज झांसी के रेलवे प्लेटफॉर्म से 3 मच्छर 15 क्विंटल सोना लेकर फरार हुए थे, जिनको कानपुर के कचहरी चौराहे पर पकड़ा गया। और कश्मीर के कुछ इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ जाने से वहां मुर्गियां उबले उबले अंडे देने लगी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।